जिन लोगों ने कोविड पीरियड में जो संघर्ष किया था और जितने भी टाइम खराब हुआ और उनका परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन लोगों को मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट पर्पस पे कुछ नहीं है लेकिन एक मैसेज के तौर पे बहुत कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने आए हैं मीडिया स्क्रीनिंग में द वैक्सीन वॉर। सब लोग डॉक्टर्स को सिर्फ प्रेज कर रहे थे हॉस्पिटल्स का, या फिर हम पैंडेमिक को घर में बैठकर हमने पहले फर्स्ट पैंडेमिक को एंजॉय भी किया और सेकंड में प्रॉब्लम्स ही फेस करी, लेकिन ये मूवी टू गुड। मैम, कुछ गवर्नमेंट्स को डीफेम करने के लिए भी बनाई? ऐसा नहीं बोल सकते, मेन वैक्सीन के ऊपर जो चीज दिखानी चाहिए थी, बहुत अच्छी मूवी है। नाना का रोल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रोल, भी बहुत अच्छा, और हर इंडियन को जरूर देखनी चाहिए। एटलीस्ट साइंटिस्ट के बारे में पता तो चले कि क्या हुआ है पिछले 3 सालों में। लेकिन आपने देखा कि कोई भी मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा इस फिल्म को और कोई प्रमोशनल एक्चुअली हाँ ये हम कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया में क्या होता है, वही चीज एकदम फैक्ट दिखाया गया है। किसी भी चीज को अप करने में और डाउन करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको लगता है इसमें जो मीडिया रिपोर्टर का जो दिखाया था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए? होता होगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट। और जो सेलिब्रिटी जो ट्वीट कर देते हैं एक जैसे, तो आपको लगता है ये सब फंडिंग होती है बाहर? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। मैम, क्या रेटिंग देना चाहिए? मैं तो 5 out of 5, एवरी इंडियन को जरूर देखनी चाहिए। से बेटर लगी आपको? वो तो हमने देखी नहीं, वो बहुत नेगेटिव थॉट्स की थी, बट ये एक पॉजिटिव है और हमें पता चल रहा है इंडिया में क्या हुआ पीछे। मैम, आपने द वैक्सीन वॉर मूवी देखी और हम सब ने ये फेज तो अपने साथ जिया है पेंडेमिक वाला, तो क्या आप कुछ रिलेट कर पाएंगे मूवी? जिस तरीके से द वैक्सीन वॉर में दिखाया है कि कैसे साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की है, मुझे लगता है बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है कि कैसे साइंटिस्ट ने स्ट्रगल किया है एंड कैसे उनकी जो मेहनत है उनको लोगों द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया गया है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। नाना पाटेकर है इस फिल्म में, पल्लवी जोशी हैं और विवेक अग्निहोत्री जी का इसमें पूरा वो डायरेक्टर ही हाँ डायरेक्शन है, तो वही चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। मैम, ये जो कोविड का टाइम है तो हाँ आपने खुद भी देखा है अपनी आंखों से, कुछ रिलेट कर सकती हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ मतलब जितना हम लोगों ने झेला उस हिसाब से मूवी नहीं है। अच्छा, मतलब कितना परसेंट लगता है कि मतलब फेकनेस या अपने गवर्नमेंट को एक तरह से फेमिंग दे दी? साइंटिस्ट पे बेस्ड है ना? जी, तो वैज्ञानिक के जीवन में क्या घटा, आपको लगता है साइंटिस्ट भी एक सोल्जर की तरह काम करते हैं? साइंटिस्ट भी सोल्जर के काम करते हैं। जो भी कुछ उसमें दिखाया गया हमने फेस किया है खुद, वो दौर 2 साल 3 साल हम घरों में बंद थे, वो सब चीज़ दिखाई गई, कैसे लाशें जो हैं शमशान घाटों पर थी और जगह नहीं मिल रही थी लोगों को, वो सब दिखाया। देखिए, विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो पूरा हमने कश्मीर फाइल्स में देखा, काफ़ी उनको ट्रोल करा गया कि बीजेपी के फेवर में मूवी दिखाई गई है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो विवेक अग्निहोत्री अपनी चर्चाओं में हमेशा पॉलिटिक्स में बने रहते हैं। शायद थोड़ी चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा ये हल्का सा जिसका रुख है वो बीजेपी की तरफ है इस आटे में नमक के बराबर या नमक में आटा? नहीं, नमक में आटा, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, बीजेपी की तरफ थोड़ा सा मूवी झुक रही है, लेकिन इसका जो मेन मकसद है मूवी को दिखाने का, उनको जो डायरेक्शन है वो मेन है कि आप साइंटिस्ट को दिखाएं, उनकी जिंदगी जो बीता उनके ऊपर वो सारी चीजें उनको दिखाने का, लेकिन हल्का सा मैं कहूंगा कि हल्का सा झुकाव बीजेपी की तरफ मूवी का है। और बड़े स्केल पर और कुछ ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती थी? नहीं, जितना है इनफ है। द वैक्सीन वॉर एक बहुत अच्छी पेशकश विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी द्वारा, काफ़ी अच्छी पेशकश ये है और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है इस मूवी का होना। जो बच्चे हैं उन्होंने सबने देखा है कि कोरोना वायरस के टाइम में कैसे हमने जो है वो बुरा समय काटा है, तो वैक्सीन के ऊपर एक काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है। बहुत अच्छी मूवी थी, जिन लोगों ने कोविड पीरियड में जो संघर्ष किया था और जितने भी टाइम खराब हुआ और उनका परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन लोगों को मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट पर्पस पे कुछ नहीं है लेकिन एक मैसेज के तौर पे बहुत कुछ है। ना फिल्म में कोई सॉन्ग है, ना फिल्म में कोई म्यूजिक है, कुछ इस तरीके का कुछ भी आर्टिकल या कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मैसेज, एक डॉक्यूमेंट्री हम इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, जिसमें लोगों को देखना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा है, हमारे कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने ये मूवी देखी है द वैक्सीन वॉर और उन्हें ऑलमोस्ट अच्छी ही लगी, मिले जुले रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया। बस मुझे एक चीज़ लगी कि कोविड के इतने बड़े फेज के एक पार्ट को ही उन्होंने लिया, हालांकि वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, वो वैक्सीन कंसर्न है हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो इतनी बड़ी पहल की गई थी कि हम विदेशियों के कहीं ना कहीं टॉर्चर और कहीं ना कहीं वो हमें ब्लैकमेल करते थे उनसे, हमेशा से ही भारत जो पिछले 70 सालों से डरता आया है उन्हीं के हिसाब से चलता आया है, उस सबको धूमिल करते हुए फिल्म ने कुछ नया दिखाने की कोशिश की और जो एक्चुअल में हुआ रियलिस्टिक सिचुएशन, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और बड़े स्तर पर भी किया जा सकता था, जैसे कि इसको मीडिया को और कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेम करने की कोशिश की गई है, तो राजनीतिक एजेंडे से हटाकर अगर इस फिल्म में और ज़्यादा रियल फेस से क्लाइमेक्स बनाते तो ज़्यादा मज़ा आता। फिल्म बाकी ओवरऑल आप सबको देखनी चाहिए एक बार।
लगता है रिपीटेशन के साथ भी बहुत मजा आएगा फिल्म देखने में। इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए नमोकार सिनेमा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।